हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बताइए आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सभी घर परिवार के साथ हैप्पी, हेल्दी और सेफ होंगे और फेस्टिव सीजन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो लेकर आ गई हूँ मैं न्यू वीडियो जो कि है दिवाली स्पेशल एक लोटस। तो ये जो लोटस है मैंने बनाया था कोजागिरी लक्ष्मी पूजा के दिन, उस दिन हमारी लक्ष्मी पूजा थी। और ये जो अभी आप प्रेजेंट देख रहे हो ये वाला मैंने गणपति पे बनाया था, क्योंकि तब हमारे घर पे गणपति जी आए थे तो उनके लिए मैंने ये वाला लोटस बनाया था। तो लोटस बनाने के लिए पहले तो आपको लगेंगे ये ऐसे पिंक कलर की 4 शीट्स एंड ग्रीन कलर के 2 शीट्स, और दोनों में डिफरेंस है मैं बताती हूँ। ये वाला जो है ये आप देख सकते हो, ये जो फोल्डिंग्स है ये इनवर्ड्स है और ये जो पेटल्स है वो छोटे छोटे हैं, और अब जो हम बनाएंगे वो बड़े बड़े होंगे। सो देखते रहो, बनाओ, लक्ष्मी मैया भी आपसे इम्प्रेस हो जाएगी। आप इतना सुंदर उनके लिए आसन बनाओगे तो वो भी खुश हो जाएगी, है ना। और फिर आपके घर में आएंगे, फिर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो बनाओ बनाओ। तो पहले तो पेपर को मैंने हाफ में फोल्ड कर लिया है। आप बस ऐसे स्टेप फॉलो करोगे ना प्रॉपरली आपको आ जाएगा, एकदम इजी है, बहुत जल्दी भी बन जाएगा, 1 घंटे में करीब आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे ये फोल्डिंग करके फिर वापस से फोल्ड करूंगी मैं हाफ में। सो ये फर्स्ट फोल्डिंग है, मतलब मैं काउंट करके आपको बताऊंगी तो इससे आपको फिर इजी पड़ेगा। तो ये फर्स्ट फोल्ड कर लिया, देन अब एंड को वही मिडिल पोर्शन में लेके जाके फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मेरा सेकंड फोल्ड हो जाएगा। और अगर ये ऐसे आप फोल्डिंग्स कर रहे हो ना तो वन साइडेड ही करना, ये फोल्डिंग टेक्निक बड़ा इजी होता है इसमें, मतलब जो पार्टीशंस है ना वो सिमिलर आते हैं। अभी ये सेकंड साइड का भी एंड लेके जाके आपको मिडिल पे रखना है और देन आपको ये डोर वाला सेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे 4 हो गए हैं डिविजन्स। अभी नेक्स्ट वापस से जो थर्ड फोल्डिंग के ऊपर है वो एंडिंग लेके जाके मैं रख रही हूँ। तो यहाँ पे ये एक और फोल्ड बन गया जो कि 4th है, और नेक्स्ट सेकेंड जहाँ पे किया था वहाँ पे पेपर लेके जाके रखना है एंड को, सेकेंड साइड वाले। तो यहाँ पे 5th फोल्डिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 साइड के फोल्डिंग्स बन गए हैं, अभी नेक्स्ट साइड पे करेंगे सेम। सेकेंड साइड पे भी यहाँ पे भी ये एंड को लेके जाके उसी के साइड वाले फोल्डिंग सेक्शन पे रख के आपको फोल्ड करना है। तो ये 6th एंड दूसरी साइड के मिडिल वाले पे रख के ये आ गया 7th। सो ये 7 फोल्ड्स लाइक पार्टीशंस बोल सकते हो। तो यहाँ पे मुझे मिल गए 7 फोल्ड्स एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शंस। अभी पेपर को उल्टा कर लूंगी मैं। पेपर को उल्टा करने के बाद अभी अपोजिट साइड से फोल्डिंग करना है। तो जैसे कि ये अभी 8 सेक्शंस है, अभी ये हो जाएंगे 16 सेक्शंस डबल। और ये कौन से मेथड से, अपने फैन वाले टेक्निक से आपको फोल्ड करना है। तो फोल्ड एंड प्रेस करो, फोल्ड प्रेस फोल्ड प्रेस फोल्ड प्रेस करते रहो। न्यू फोल्ड एंड ओल्ड प्रेस, पता नहीं कुछ भी है। ये स्टेप ना बड़ा इजी है, मतलब सिमिलर आपको इक्वल फोल्डिंग्स आ जाते हैं, इक्वल डिविजन्स आपके बन जाते हैं, कोई ऐसा मार्किंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बेस्ट है, ऐसे ही बनाओ और लोटस बनाओ। तो यहाँ पे हो गया। अब जो हमने पहले जो फोल्ड किया था पेपर को डबल कर लिया था ना, अब उसका हेल्प यहाँ पे आया होगा।
सो ये देख रहे हो, ये शीट आपको ऐसे सेपरेट करनी है. तो दोनों को सेपरेट करो एंड प्रेस. सेपरेट प्रेस, प्रेस सेपरेट प्रेस, सेपरेट प्रेस, सेपरेट प्रेस एंड सेपरेट प्रेस. सो ये टोपी टोपी बन गया थोड़ा सा. तो ये ऐसा हल्के हाथों से, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम होता है. सो ये स्टार्टिंग में ऐसे आपको हल्के से ऐसा प्रेस कर लेना है, फोल्डिंग्स दे देनी है. ये देख रहे हो, ये आ गया वी के फॉर्म में आ गया. एक बार अगर ये हो गया ना, फिर आप उसके बाद आप उसको जितना चाहे उसको सेपरेट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सो बस फर्स्ट स्टेप में आ जाना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. देखो ये हो गया, वी के फॉर्म में आ गया. ये आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा मतलब जो फोल्डिंग्स हमने बनाई थी पहले उससे ओवरलैप हो जाती है. अब मैं डिफरेंस बताती हूँ. ये देखो यहाँ पे कोई फोल्डिंग ओवरलैपिंग नहीं है, राइट. ये देखो ये वी के फॉर्म में है. वी के फॉर्म में आने के बाद अगर आपको विजिबल हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक और फोल्ड बन चुका है. आपको दिख रहा है ये, मतलब फोल्ड की मार्किंग आ गई है कि हमने फोल्ड किया है, राइट. ये देखो सो हमें ऐसे ही फॉर्म में लाना है. तो बाकी सब जो है सबको आपको इसी टेक्निक से बनाना है. तो यहाँ पे मैं एक और बता देती हूँ आपको. ओपन एंड प्रेस, ओपन प्रेस, ओपन प्रेस, ओपन एंड प्रेस, देन थोड़ा सा सेपरेट कर लो. यहाँ पे आप देख सकते हो विजिबल होता है. ये देखो यहाँ पे विजिबल है कि ये अलग अलग हो जाते हैं, जस्ट ओवरलैप करना पड़ता है एंड प्रेस करना पड़ता है. Easy and peasy. ये लो, बन गया मेरा वापस दूसरा वाला वी. क्राफ्ट वर्क सबसे बढ़िया होता है. आप खुद की कुछ भी क्रिएटिविटी करते हो, किसी को देख के सीखते हो, देन बनाते हो, अच्छा लगता है, घर डेकोरेशन लगता है, डेकोरेटेड लगता है. तो इसे भी मैंने यही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सीखा और अब आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ. So, ये वी बन गया. और सभी सबके साइज सेम होने चाहिए. देखो बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी का वी पतला है, किसी का वी मोटा है, नहीं, सब सेम होना चाहिए. यहाँ पे सब मैंने चेक कर लिया, मेरे चारों वी रेडी हैं. अभी हम बनाएंगे लीफ सेक्शन. सो लीफ के लिए आपको ग्रीन शीट लगेगा. सो पहला एक वही सेम साइज होना चाहिए. पिंक शीट आप जिस साइज का ले रहे हो वह सेम साइज का ग्रीन शीट भी होना चाहिए. यहाँ पे हम फोल्ड, हमको दो शीट क्यों लगेंगे पता है, हमें चार ही चाहिए. तो यहाँ पे हम डबल डबल फोल्ड नहीं लेंगे, यहाँ पे हमें सिंगल ही लेना है और इसीलिए बीच में से कट करना है. तो इसीलिए हमें सिर्फ दो ही शीट्स लगेंगे. और सेम टेक्निक जैसे हमने फ्लावर्स के लिए फोल्ड किया, वैसे ही यहाँ पे भी लीव के लिए भी फोल्ड करेंगे. सो पहला मिडिल फोल्ड, देन वन साइड मिडिल फोल्ड, वन साइड पहले बता रही हूँ वन साइड के हिसाब से. सो सेकंड साइड पे भी मिडिल फोल्ड, देन वन मोर फोल्ड एंड वन मोर फोल्ड. सो यहाँ पे वन साइड डन, पूरा डन. देखो यहाँ पे वन फोल्ड बाकी था तो वो फोल्ड. सो यहाँ पे 8 सेक्शंस हो गए. अभी उल्टा कर लो, अभी उनके बीच में से वापस सेक्शन सेक्शन बनाओ.
हो गया, तो बन के रेडी है हमारा लीव भी। यहाँ पे 8 से अभी 16 सेक्शंस हो गए। अब फ्लावर को देंगे अभी लोटस शेप, लाइक पेटल्स को देंगे शेप। सब एक बार चेक कर लेना सब सिमिलर साइज है कि नहीं, उसके बाद आगे बढ़ना। सो यहाँ पे आपको बस एक सेमी सर्कल फॉर्म करना है। सो ये साइड पे एक, और ऐसे मार्किंग करो कि वो सेमी सर्कल बने। सो ये और यहाँ से ये, तो हो गया सेमी सर्कल जो कि इनविजिबल है ऑब्वियसली। और इसे कट कर लो। अभी पूरा एक साथ कट नहीं होगा, मोटा सा है ना शीट, तो इसीलिए हम सेक्शंस में कट करेंगे। तो 2-3 पार्ट आप एक साथ ले लो, फिर उसे कट करो, देन उसे एज अ टेम्पलेट रख के फिर पीछे का भी कट कर लो। और आपको अगर बड़ा बनाना हो तो आपको ज्यादा पेपर्स लगेंगे, अगर छोटा बनाना हो तो शायद कम पेपर्स लगेंगे, लेकिन उनका लेंथ भी फिर कम हो जाएगा। वैसे वो ये भी सोचने की बात है, मेरे को अभी ख्याल आया, मैं ट्राई करूँगी। और अगर आपको बड़ा बनाना हो, अगर प्लेटफॉर्म आपका बड़ा हो, जैसे बेस आपका जैसे गणपति जी का बेस बड़ा होता है, देन लक्ष्मी जी का भी बेस बड़ा अगर होता है, तो आप इसे ज़्यादा पेपर लेके बना सकते हो, या फिर आप चार्ट पेपर लो। अगर आपको बड़ा बनाना हो, आपका जो जहाँ पे आप रखोगे वो स्पेस आपका बड़ा हो, तो आप बड़ा बनाओ, आप लोटस बड़ा बनाओ, तो उसके लिए आपको शायद चार्ट पेपर लगेगा। जो गणपति जी के लिए मैंने बनाया था वो A4 साइज से, जो बड़ी शीट्स आती है ना उससे बनाया था, और वही आपको, आप अगर बड़ा बना रहे हो तो आपको बड़े पेपर्स, बड़ी शीट्स लग सकते हैं, और शायद ज़्यादा लग सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो लीव्स हैं बन के रेडी है, ये जो पेटल्स है ये भी बन के रेडी है, देखो कितना सुंदर लग रहा है नहीं। तो जो पेटल्स है उनको अभी लीव्स पे, जो ग्रीन शीट है उस पे स्टिक करना है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो माउंटेन्स है, माउंटेन जो मतलब बाहर निकला हुआ जो फोल्डिंग है, हमें उसके ऊपर इसको सेट करना है। ये देखो माउंटेन के ऊपर सेट करना है, अगर उल्टा सेट करोगे तो वो सेट नहीं होगा। तो हमें ये जिस साइड पे जो बेस लीफ का होगा वही बेस आपका लीफ पेटल्स का भी होगा, तो सिमिलर होना चाहिए, और सिमिलर होके ही उसे सेट करना चाहिए। तो पहले आप देख लो सेट होता है कि नहीं। सो और ये ऐसे 30 डिग्री का एंगल आपको एक मेंटेन करना है, क्योंकि हम आपका जो लोटस होता है, कभी देखा है कि वो लीफ के साथ एकदम चिपका हुआ हो? नहीं, वो ऊपर हुआ रहता है, राइट? तो आपको वैसे ही दिखाना है। तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम एज पे आपको ग्लू लगाना है, उसके बाद ध्यान से, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर ध्यान से करना, बिल्कुल उसके ऊपर आपको ये जो पेटल है उसे प्लेस करना है। थोड़ा सा मेहनत का काम है पर बना लेना, अच्छा लगेगा। ये देख रहे हो ऐसे, थोड़ी देर होल्ड करके रखना ताकि ये स्टिक हो जाए, वरना आप छोड़ दोगे तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा जो पेटल है, फिर जो जैसा उभर के आना चाहिए वैसा नहीं आएगा। सो ये देखो बन गया। ऐसे ही अभी सारे पेटल्स को हम बनाएंगे, और इन्हें कोई किसी हेवी चीज के नीचे रख देंगे, सो दैट वो बिल्कुल स्टिक हो जाए, सूख जाए। तो ये माउंटेन के ऊपर माउंटेन साइड रख देंगे। मतलब आपको यहाँ पे समझा ना,
जो साइड आपका ऊपर आया हुआ है, जो फोल्डिंग ऊपर है, उसी को आपको सेट करना है, उसी के हिसाब से आपका लीव जो पेटल है उस पे सेट होगा, और सब में सिमिलर गैप मेंटेन रहना चाहिए, नहीं तो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ये बन गया। अब इसे भी भारी चीज के नीचे रख दो। यहाँ पे मैंने वो स्टूल था, स्टूल के नीचे रख दिया। सो अब उसे हैवी चीज ऑब्जेक्ट के नीचे से हटा लो, वो सूख चुका होगा, और उसके बाद इन्हें सब हम एक साथ मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे आप ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो या फिर स्टेपलर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्टेपलर यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि स्टेपलर का एक फ़ायदा है, वो लास्ट में पता चलेगा आपको। सो देखते रहो देखते रहो, स्किप मत करो, ठीक है। सो यहाँ पे पहले तो सभी इसको एक साथ मतलब सिमिलर होना चाहिए, ऐसे देख लो, ज्वाइन कर लो। अपने हाथों में इसे फिक्स कर लो, देन उस पे स्टेपल करो। सो ये वन एंड टू। पार्ट्स मैंने एक साथ कर लिए। अभी पेटल्स को भी आपको करना है, लीव्स को करना है, पेटल्स को करना है, सबको करना है। तो ये हाफ लोटस रेडी है। अभी दूसरा हाफ भी। या तो आप इस पे डायरेक्ट स्टेपल करो या फिर दो दो करके स्टेपल करो। यहाँ पे मैंने दो दो करके किया है। ये थोड़ा ना ऐसा बनने के बाद, ऐसे फैन साइज में बनने के बाद ना बाउंसी बाउंसी हो जाता है, हाथ में नहीं आता है, बड़ा हो जाता है हाथ के साइज से। तो इन्हें भी मैंने स्टेपल कर लिया यहाँ पे। अगर आप देख रहे हो कि पिन थोड़ा सा बाहर निकला सा है, तो उसे आप हाथ से उसे फिक्स कर देना, टाइट कर देना। सो यहाँ पे भी, पेटल पे भी आपको स्टेपल कर दिया। और आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे जो एट सेक्शंस होने के बाद, जैसे मैंने 16 सेक्शंस किए थे ना, आप 8 सेक्शंस पे भी स्टॉप कर सकते हो। अब यहाँ पे दोनों पार्ट्स को मैं जोड़ लूंगी एक साथ, दोनों सेमी सर्कल्स को। अब ये मेरे को मुश्किल हो रहा है, देख रहे हो, थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर जब बन जाएगा ना तब बहुत अच्छा लगेगा। अब खुद को हैप्पी फील होगा कि हाँ मैंने बनाया। आप भी ट्राई करो, ठीक है। ज्वाइन कर लिया, अभी पेटल्स को भी ज्वाइन कर लो। अभी ये पूरा लोटस को अभी एक साथ ज्वाइन कर लो।
आप पहले ऐसा बेस नीचे बैठा के देखो आपके आइडल को, आप मतलब कितना बड़ा है, कितना छोटा है, आपको कितना बड़ा लगेगा, छोटा लगेगा, उसके हिसाब से आप बीच में बैठाने के बाद आप उसको ज्वाइन कर देना। आप ऐसा भी कर सकते हो। तो मैंने तो हमारे आइडल के हिसाब से ही बनाया था। हमारे आइडल का जो बेस है, मैया का जो बेस है, वो छोटा था, तो उस हिसाब से छोटा बेस। और ये जो फ्लावर है, पेटल है लोटस का, उसे आप पीछे कर सकते हो, मतलब जो वी फॉर्मेशन है वो आप छोटा बना सकते हो। तो यहाँ पे पहले तो मैं स्टेपल कर लूंगी लीफ को। अगर आप स्टेपलर यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो आप ग्लू यूज़ कर सकते हो, या फिर डबल साइडेड टेप भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ग्लू गन है, ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हो। या अभी पेटल्स को भी, तो ऊपर वाले पेटल्स ऐसे ही साथ में मैंने कर लिया था, फिर नीचे वाले पेटल्स को भी मैंने बाद में किया। ये देखो, ये स्ट्रेच भी होता है, इस हिसाब से आप कर सकते हो, रख सकते हो। और ये लीफ मैंने डाउन कर दिया, डाउनवर्ड्स। अभी नीचे वाले पेटल्स की बारी आ गई स्टेपल होने की। सोचा था मैंने पहले कि मैं स्टेपल नहीं करूंगी, बट बाद में वो सेपरेट सेपरेट हो रहा था, इसलिए मैंने नीचे के हिस्सों को भी स्टेपल कर दिया। तो ये लोटस बनके रेडी है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। नहीं, आप बताओ, हाँ कमेंट में बताओ कि ये कैसा लग रहा है। और आप इसे ना ऐसे इसके अंदर एक और लेयर, ऐसे ही जैसे जो पेटल्स हमने बनाए हैं, इसी तरह से एक और अगर दूसरे कलर में आप बना के इसके बीच में प्लेस करते हो ना, तो वो भी अच्छा दिखेगा। फिर वो एक फ्लावर बन जाएगा जिसे आप टेबल टी टेबल पे रख सकते हो, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो एज अ डेकोरेशन दिवाली के टाइम पे। बीच में आप कैंडल जला सकते हो। ये देख रहे हो, ये देखो पेटल्स का डिजाइन देखो, यहाँ पे ये इनवर्ड्स है एंड छोटे छोटे हैं, और जो हमने नया बनाया है वो आउटवर्ड्स है। ये ज्यादा स्ट्रेच नहीं हुए है, स्ट्रेचेबल नहीं है ये वाला, अच्छा सा स्ट्रेचेबल है और फुगा फुगा भी है। क्यों? इसका रीजन ये है कि इसके पेटल्स जो है बड़े हैं, इसीलिए ये सुंदर और फुगा फुगा दिख रहा है। सो इसे आप ट्राई करो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, लक्ष्मी मैया भी इम्प्रेस हो जाएंगी आपसे, आपकी हर मनोकामना पूरी कर देगी आपकी मेहनत देख के। So, अब बताती हूँ मैं, ये मैंने ऐसे डेकोरेट किया था, तो लक्ष्मी मैया मेरी यहाँ पे बैठे थे। अब जब आपका काम हो जाए, जब आपका पूजा हो जाए, तब आप क्या कर सकते हो, इसे ओपन करके रख सकते हो। तो क्या करना है आपको, फ्लावर को उल्टा करके जो स्टेपल मारे थे हमने, स्टेपल पिंस, वो निकाल लेने हैं। थोड़ा सा होल बन जाता है, पर क्या कर सकते हैं, पूरा खराब होने से अच्छा यही है ना कि आप इसे
इतना सा ही ये करके सही रख सकते हो। सो आपको सारे पिंस निकालने हैं एक ही साइड के, ऐसा नहीं कि आपने लीफ का इधर से निकाला तो नीचे वाले पेटल का कहीं और से, ऊपर वाले पेटल का कहीं और से, नहीं, एक ही लाइन में आपको सारे पिंस निकालने हैं। बता देती हूँ क्योंकि बच्चे भी तो मैक्सिमम देखते हैं ना, लाइक क्राफ्टिंग है भाई, बच्चे तो देखेंगे ही है ना, स्मॉल किड्स। और पेन निकालते वक्त उंगली का ध्यान रखना, उंगली कट ना जाए। सो ये खुल गया, अभी इसे ऐसे आप फोल्ड कर दो, ये बाउंसी बाउंसी हो गया, आता ही नहीं है हाथ में, हाथ बड़ा छोटा है। सो ये ऐसे करके आप फोल्ड कर लो, इजी है ना, और रखने में भी इजी है, आप कहीं पे भी इसे बॉक्स में अच्छे से रख सकते हो पैक करके, कुछ नहीं, कोई डेंट नहीं पड़ेगा, कोई फोल्डिंग्स नहीं आ जाएगी एक्स्ट्रा, कुछ नहीं, अच्छा सेफ सिक्योर एंड सुंदर रहेगा, और आप नेक्स्ट टाइम वापस इसे यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं ये वुलन थ्रेड ले रही हूँ, वुलन थ्रेड से ही मैं इसे बांध दूंगी, सिक्योर कर लूंगी ताकि ये ऐसा खुल ना जाए अचानक से, जैसे वो होता है ना एक बॉक्स में स्प्रिंग के साथ एक जोकर लगा हुआ होता है और वो बॉक्स खोलते तो ऐसा उछल के आता है और आप डर जाते हो, वैसा नहीं होना चाहिए। कितना इजी है, कस्टमाइज्ड है, कम स्पेस लगेगा और अच्छे से रहेगा, कोई डेंट नहीं पड़ेगा, कोई फोल्डिंग नहीं पड़ेगी। वरना ये वाला देख रहे हो ये गंदा हो चुका है क्योंकि इसे मैंने ग्लू से स्टिक किया था, तो इसे ना मैं खोल सकती हूँ ना मैं कुछ कर सकती हूँ, इसे इसे ही रखना पड़ता है, तो ये गंदा सा भी हो गया है, फोल्डिंग करूँ तो वो खराब हो जा रहा है, पता नहीं अब कुछ करना पड़ेगा। तो क्यों वेट कर रहे हो भाई, जाओ जल्दी से बनाओ, दिवाली है, लक्ष्मी पूजा है, बहुत जल्द आ रही है, प्लीज बना लो और घर को अपने डेकोरेट करो, अच्छा सुंदर बना लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। दिवाली है तो घर रहो, सबके साथ रहो और खूब मीठा खाओ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दीपावली इन एडवांस। हैप्पी वॉचिंग।